कल शिक्षकों के समर्थन में और बिहार सरकार की जो भ्रष्टाचार की नीति है और जिस प्रकार से जंगल राज रिटर्न हो गया है उसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन होने जा रहा है। विधानसभा का घेराव, पूरे बिहार की जनता व्याकुल है इस भ्रष्ट सरकार को समाप्त करने के लिए। इन सरकारों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, सरकार चुपचाप मूक दर्शक बनी हुई है और भ्रष्टाचार से गले मिला ली है। आरोपी व्यक्ति जिसके ऊपर चार सीट हो गया है और चार सीटेड व्यक्ति को हटाने का काम नहीं कर रही है सरकार, शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है। जो सरकार ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, आज शिक्षक जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं उनको नियुक्ति होना है, वो अगर मांग रहे हैं तो उन पर लाठियां चल रही है। ये सरकार ही लाठी गोली की सरकार हो गई है, ऐसे सरकार को रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिहार की जनता के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मजबूर कर देंगे। पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है आज ही से, ये तो लाठी गोली की सरकार है, इसके पास जनता का कोई दम नहीं रह गया है। यह पुलिस के दम पर जो ऐसे सरकार चला रही है, अपराधियों के बलबूते पर सरकार चला रही है, तो हम लोग डरने वाले नहीं है, न बिहार की जनता डरने वाली है। जितनी गोली चलानी हो, जितनी लाठी चलानी हो चला ले, लेकिन सरकार को जाना तय भी है। कितने की संख्या में आप लोग रहेंगे? पूरी संख्या, पटना पट जाएगा। बिहार से लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि इस बिहार की सरकार को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। और क्या कुछ कहेगा नीतीश जी, मतलब किनका इस्तीफा चाहिए आपको? नीतीश जी का, सरकार का इस्तीफा चाहिए। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार को गले लगा लिए हैं। तेजस्वी यादव चार सीटेड हैं और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं, उसका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो इस सरकार को जाना होगा। इस्तीफा पूरी सरकार का चाहिए। बीजेपी की तरफ जैसी जाएंगे उसी एकदम बहती गंगा हो जाएगी। मैंने कहा कि अब जो है से नीतीश कुमार के ऊपर पूरा विश्वास जनता का उठ चुका है, अब कोई साथ न देने वाला है न लेने वाला है। नीतीश कुमार को जैसी करनी वैसी भरनी, इनको अपनी मौत मरनी है। क्या कुछ कहिएगा कल की तैयारी को लेकर? कल इतनी बड़ी तैयारी है कि पूरा बिहार की जनता आ रही है और नीतीश जी का कोई इस राज्य के प्रशासन में कोई दम नहीं है कि हम लोग का विधानसभा में रोक देगा कहीं। अगर रोकेगा तो हम लोग भी उनके अनुसार जैसे डील करेंगे वैसे डील करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग हमारा शांति प्रिय ढंग से हमारा जुलूस निकलेगा। विधानसभा शिक्षकों का जो मांग है उसकी पूर्ति करें, जो यहाँ अपराध बढ़ रहा है उसको शांत करें। प्रशासन सुशासन बाबू कहलाते हैं तो सुशासन बाबू की तरह सत्ता चलाएं, नहीं तो हम गद्दी छोड़ें और सीधे ही आह्वान होगा। तो प्रशासन पूरा लाठी डंडा लेके कल तैयार रहेगी? अब उनका तैयार है, हम सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे जबरदस्त। हमारा पूरे बिहार के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर छात्र से लेकर नौजवान से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के गाँव के मजदूर किसान नौजवान सब साथी आ रहे हैं और बड़ी संख्या आ रही है, जिस पूरा गांधी मैदान से पूरे विधानसभा गेट तक पहुंच जाएंगे। विधानसभा में कुछ कोशिश करें, विधानसभा प्रदर्शन है तो वहां तक जाएंगे। कितने संख्या में रहेंगे आप लोग? लाखों की संख्या रहेगी, अभी दिखाई दे रहा है पूरा शहर पटना में लाखों की संख्या में, पचास हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं लोग, जहां तहां अपने सब जगह अपने आशियाना बना रहे हैं। कई बड़ा आंदोलन का स्वरूप दिखेगा, इधर के दिनों में कुछ दिनों में इतना बड़ा आंदोलन का इतना बड़ा जुलूस नहीं निकला होगा जितना बड़ा हम कल प्रदर्शन करने वाले हैं। विधानसभा में जाके क्या करिएगा? वहाँ करेंगे, देखें क्या करेंगे। प्रदर्शन अराजक हो जाएगा फिर? कोई अराजकता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित है, कोई हम अपने तरफ से किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। हम सरकार गद्दी छोड़ो इस आह्वान के साथ कल आंदोलन में हटाएंगे तो फिर किनको बनाएंगे? तेजस्वी जी को? तेजस्वी क्यों बनेंगे फिर? भारतीय नई सरकार आएगी, नई चुनी हुई सरकार बनेगी, फिर चुनाव होगा, आह्वान करेंगे। जनता चाह रही है कि इसे महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना है हमको, और भारतीय जनता जी बोल दिए तेजस्वी को बनाएंगे इसके बाद। तेजस्वी के उनको बोलने से क्या होने वाला है?
नीतीश जी अब कोई पूछने ही वाला नहीं है तो नीतीश जी क्या करेंगे? कोई उत्तराधिकारी उनके पास उनके दल में नहीं है तो दूसरे ही के दल का अपेक्षा न करेंगे? दरवाजा से खटखटाते चलेंगे, अब क्या करेंगे? उनके पास तो कोई और क्षमता है नहीं, ऑप्शन है, तो भाजपा बनाएगी ना फिर? भाजपा तो अपनी सरकार बनाएगी ही, उन समय आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जनता खोज रही है, गरीब के मजदूर, गाँव, किसान, महिला, युवा, नौजवान सब लोग भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रहा है कि कब सरकार बने। अपेक्षा जब समय आएगा तो आप देखेंगे। नीतीश जी ना आप लोग है? नहीं ना, मेरा चेहरा अपना है, मेरे पास कई चेहरे ऐसे हैं जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, वो हमारा नेतृत्व करें ना, तय करेंगे हम आगे आने वाले दिनों में, समय तय करेंगे। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा? और भी युवा है, कल की तैयारी को लेकर क्या कहिएगा? जबरदस्त तैयारी है। कैसा तैयारी है? हमारे जगह जगह से सभी कार्यकर्ता पटना आना शुरू हो गया है। हम लोग भी अभी सीतामढ़ी से आए हैं और सीतामढ़ी से भी हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं और कल विधानसभा के जो है हम लोग जबरदस्त घेराव करेंगे। गठबंधन तो कह रही है कि भाजपा उपद्रव करेगी। भाजपा एक विचारधारा की पार्टी है और भाजपा जो भी है व्यवस्था के अनुसार काम करता है, वह ऐसा कुछ नहीं है कि उठा पटक और सुशासन बिगाड़ने का काम करेगा। हाँ जी, और कल कौची कौची करिएगा आप लोग? विधानसभा के घेराव है। काहेला विधानसभा घेर लीजिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा नीतीश जी को। क्यों? भारतीय जनता पार्टी कानून से चलती है और भारतीय जनता पार्टी पलवार पार्टी नहीं है। एक एक कार्यकर्ता आ एक एक नौजुआ के एक बूढ़े माता सब जितने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लाठी डंडा चलेगा तो आप लोग झेलिएगा? झेलेंगे यार, है प्रशासन। हम तो चंपारण से आए, जो अंग्रेज के भगा दिए हैं तो हम चंपारण से आए हैं, आज अभी आ गए हैं और 100 के संख्या में आ गए अभी तक, अभी लाखों के संख्या है, अभी 12 बजने दीजिए, पूरा पटना भाजपा भाजपा खिलेगा। और भी जानते हैं हमारे माननीय, हमारे अध्यक्ष जी माननीय सम्राट चौधरी जी, सम्राट जहाँ खड़े हो जाएंगे ना तो ये देखिए विपक्ष लोग है ना पलटू चाचा, वो भाग जाएंगे गद्दी छोड़ के। नीतीश जी बोल रहे हैं तो हमरे ही पहले थे, कुछ दिन आरजेडी में रहे। अरे वो अपन तो समझे ना, बैसाखी पर चलने वाले के बात बतिया रहे हैं पलटू चाचा के। अब पलटू चाचा का बात नहीं चलेगा बिहार में, ये सम्राट के चलेगा, पूरा बिहार में चलेगा। कहा जा रहा है आप लोग नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा? अरे हमारे केंद्र के अधिकारी जो बैठे हैं वो फैसला करेंगे, हम लोग कानून से चलते, बिना कानून से नहीं चलते हैं। एकदम देखिए लाखों के संख्या में झंडी तैयार है, पूरा पटना 12 बजे के रात में खिलेगा, डंटा उंटा भी होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी होगा, याद करिएगा। हाँ जी, एकदम हर हर मोदी घर घर मोदी होगा। पूरा जोश में लग रहे हैं भैया आपके? जोश में रहना ही है, महागठबंधन सरकार को उखाड़ करके फेंकना है यहाँ से। ये देख रहे होंगे पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा कल, कितना की संख्या में आप लोग आ रहे हैं? कल ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कैसा कार्यक्रम आप लोग? पूरे बिहार से बहुत कार्यकर्ता बहुत जोश में हैं। विधानसभा को क्यों घेरना चाह रहे हैं आप लोग? हम तो बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षकों के लिए, आम जनता के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए और अपराध से मुक्ति के लिए हम विधानसभा को और इस सरकार को जगाना चाहते हैं। नीतीश जी पूरा प्रशासन के साथ तैनात हैं, एकदम आज से अकेले हैं। नीतीश जी का काम ही है, नीतीश जी अब लाठी और गोली से ही बात करते हैं। नीतीश जी अब लोकतांत्रिक व्यवस्था पे उनका कोई भरोसा नहीं रह गया। आज जिस तरह से उन्होंने किसानों को मारा, कल शिक्षकों को मारा, इससे साफ लगता है कि अब उनको सिवाय लाठी के और किसी पर भरोसा नहीं है। चलिए, कहा जा रहा है नीतीश जी को सिवाय लाठी के अब कोई भरोसा नहीं है। एक और नेता जी हैं भगवा गमछली में, क्या कुछ कहिएगा कल के तैयारी को लेकर? तैयारी पूरा दिख रहा है पटना के गली गली में। क्या तैयारी दिख रहा है? विधानसभा मार्च के लिए पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं और गांधी मैदान से विधानसभा मार्च में ये जो तेजस्वी और नीतीश जी का ये जो पलटू जो इस सरकार है वो सरकार को जवाब देना होगा। 1700 करोड़ का पुल गिरा ना, तो 1700 करोड़ का हिसाब कौन देगा? ये जो भ्रष्टाचार का विधानसभा जाके हिसाब लीजिएगा क्या लग रहा है? इनकी लाठी डंडा तैयार के लिए हैं नीतीश जी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र लाठी लाठी का जवाब जनता देगी पटक पटक कर। जब ईवीएम पर बटन दबेगा ना और उस ईवीएम के बटन से जवाब मिलेगा। लाठी का जवाब बिहार की जनता देना जानती है, लाठी का एक एक लाठी का जवाब देगी। और लाठी तो देखा है, शिक्षक लोग में भी तो लाठी पड़ा ना, तो लाठी जब उनको देना है तो लाठी का जवाब जनता भी देगी और कार्यकर्ता तो तैयार है भारतीय जनता पार्टी का। आप लोग पीटिएगा कि पिटाइएगा? अरे भैया पीटने पिटाने की बात नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है ये।
और लोकतंत्र लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, एक एक चीज का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, फिर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अरे ये भ्रम है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, इस भ्रम से बाहर आइए। हमारे नेता सम्राट चौधरी भैया है, हमारा नेता जो है वही मुख्यमंत्री का दावेदार है। आप लोग सभी मीडिया के बंधुओं से निवेदन है, किसी तरह का भ्रम के जाल में ना रहें। क्या क्या तैयारी है कल आप लोगों का? तैयारी बहुत अच्छा तैयारी है, तैयारी चल रहा है, तैयारी जबरदस्त होगा। सरकार शिक्षक के खिलाफ, देखिए हम लोग का कितना शिक्षक के पक्ष में कितना, चलिए देख रहे होंगे तैयारी को लेकर बताया जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे अभी यहाँ पर, देख रहे होंगे तमाम लोग यहाँ पर अभी भाजपा के नेता के साथ अभी यहाँ पर मीटिंग और बैठक हो रही है, बाकी और भी नेता अभी यहाँ पर निकलेंगे। तो अभी क्या कुछ कहेगा कल की तैयारी को लेकर? कल का तैयारी आप लोगों को दिख रहा है अभी से, कल पूरे नीतीश कुमार जी के सरकार को गिरा देंगे। देखिए कल तेजस्वी जी अभी इस्तीफा नहीं दे रहे ना, कल हम लोग पूरे भारी भरकम संख्या से देखिए हम किस तरह से निकलेंगे गांधी मैदान से। हम लोग जिस तरह से शिक्षकों को पीटा जा रहा है, किसान को पीटा गया, जो अन्नदाता है हमारे उनको पीट रहे हैं, सरकार की हुई 10 लाख का रोजगार का बोले थे उस सब पे जवाब देना होगा। ये जो भाषण दे दे रहे हैं बैठ के सदन में, उससे काम नहीं चलेगा। ये 10 लाख रोजगार देने का जो बात की है ना, वो देना होगा। ये शिक्षक अभ्यर्थियों को जो डेली डेली नया नया नियम निकाल रहे हैं लोग, इस पे भी जवाब देना होगा। कल कल कहाँ तक जाएगा, विधानसभा तक पहुँच जाएगा? अरे क्या क्यों नहीं पहुँच जाएंगे, आए हरियाले क्यों नहीं? प्रशासन पूरा अभी से मुस्तैद, तो पुलिस प्रशासन तो क्यों, देखिए ना पुलिस प्रशासन किसान को मारा, शिक्षक अभ्यर्थियों को मारा, तो हम लोग भी पिटाएंगे कल, देखते हैं ना भाई। कल हम लोग पे भी लाठी चले, क्या दिक्कत है, हम लोग एकदम पूरे रूप से एकदम तैयार हैं, कल देखते हैं कितना लाठी चलता है, कोई दिक्कत। आप लोग भी चलाइएगा का इधर? नहीं हम लोग क्यों चलाएंगे, कानून हम लोग अपने हाथ में थोड़े लेंगे, हम लोग कानून स्थापित करने वाले लोग हैं, हम लोग व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग नहीं है। महागठबंधन की सरकार कह रही है आप लोग अराजक की स्थिति पैदा कर रहे हैं बिहार। अरे तो क्यों अरेस्ट क्यों कर रहे हैं शिक्षक के नेताओं, जो ये जो नेता लोग जो आ रहे हैं पटना में, उनको प्रदर्शन करने दीजिए ना, उनको अपनी मांगों को मांगने दीजिए ना, उन पे लाठीचार्ज क्यों करवा रहे हैं, उनको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, अरेस्ट करके धमकी दे रहे हैं लोग शिक्षक नेता को कि पूरे अपने टीम को लेकर जाओ नहीं तो जेल भेज देंगे, क्यों भाई, उनका मांग करने दीजिए ना। तो ये बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वाला करवा रहा है, भाजपा वाला करवा रहा है, तो क्यों करवा रहे हैं, हम लोग तो साथ देंगे, किसान के साथ हैं, शिक्षक लोगों के साथ हैं, उन्हीं के विरोध में कल निकलेगा हम लोग मार्च। हटाइएगा किनको, नीतीश जी को कि तेजस्वी जी को? दोनों लोग को, कोई अच्छा नहीं है। किसको बनाइएगा फिर? हम अपना भारतीय जनता पार्टी और क्या। कहा जा रहा है फिर से नीतीश जी से आप लोग मिल जाते हैं, मिल कर लेते हैं। अरे अब क्या उनसे मिले, उनमें अब क्या बचा हुआ है, बिल्कुल नहीं। ऊषा कमजोर नेता हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग अकेले अपना राज्य में सरकार स्थापित करेंगे, आने दीजिए समय, 24-25 दोनों जीत रहा है भाजपा। कितना की संख्या में रहेंगे कल? हम क्यों चाहेंगे कि कम रहे, कल बहुत से पूरे बिहार प्रदेश से कल देखिए पूरा रोड भर देंगे एकदम, देखिए पैदल मार्च निकलेगा तो कैसे पूरा एकदम स्थिति देख लीजिएगा कल भीड़ का। हाँ चाचा कल भीड़ रहता है, लाख से नीचे नहीं रहेगा भैया, बताते हैं आप। चलिए देख रहे होंगे यहाँ पर कई, क्या कहेंगे, और भी युवा हैं यहाँ पर, भगवा गमछे धारी हैं, क्या बोलिएगा, कहाँ से आप आए हैं? हम तो आरा से हैं। आरा से क्या करे आए हैं, आज आए हैं कि पढ़े आते हैं? रैली में आए होंगे। रैली में आए होंगे, आए होंगे कि आए हैं? आए हैं, आए हैं। क्या करिएगा कल है? कल देखा जाएगा क्या हो रहा है, कल देखा जाएगा क्या हो रहा है। देख रहे होंगे यहाँ पर कई और भी युवा नेता हैं, और यहाँ पर अभी संगठन मंत्री से लेकर ऐसे तमाम लोग दिख रहे हैं, और यहाँ पर अभी तैयारी और रणनीति चल रही है, और भी लोग हैं, जरा उनसे जरा हम थोड़ा सा भैया कौन